हेलो गाइस दिस इज आकाश वेलकम टू माय चैनल सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिजाबेथन एज द पीरियड ऑफ एलिजाबेथन एज इट वॉज सेटीन नवम्बर फिफ्टीन फिफ्टी एट टिल ट्वेंटी मार्च सिक्सटीन एलिजाबेथ एलिजाबैथ एज तीन तीन नाम से जानी जाती है फर्स्ट शेक्सपीरन एज एलिजाबेथन एज एंड रनेज और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट राजगद्दी पर बैठी उसी टाइम से एलिजाबेथ ऐज स्टार्ट हुई ऐसा माना जाता है शेक्सपियरन ऐज विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश राइटर वॉज रिगार्डेड हैज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा शेक्सपियर इज नॉन फॉर मैनी ऑफ हिज पोएम एंड प्लेस दैट ही रॉट और ये भी एक रीज़न है उन्होंने इतने फेमस पोएम प्लेज लिखे शेक्सपियर ने तो ये भी एक रीज़न है कि ये ऐज है वो शेक्सपियर एज से भी जानी जाती है रैनेजाज रेनेजाज का मतलब है रीबर्थ फिर से जन्म लेना या फिर से जागना द रनेजाज इज़ ए पीरियर इन द History of uh, Europe beginning in the about uh, beginning in about fourteen thousand and uh, following the medieval period. Renaissance is a French word meaning rebirth. The Renaissance was seen as a rebirth of that learning. <clears throat> yeah. To, और रेनेजास का मतलब जो वर्ड है उसका मतलब है कि फिर से जागृत होना फिर से जन्म लेना लर्निंग नॉट ओनली लिमिटेड विथ लिटरेचर राइट उस टाइम पे एलिजाबेथन एज वो वो रनेजा वो रनेजा एज से भी जानी जाती थी और उस टाइम पे कई सारी खोजें हुई कई कई न्यू, न्यू 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 थिंग जो लिटरेचर में आई और, और दूसरा की जो लिटरेचर था उसमें तो लिटरेचर uh, के लिए भी थिएटर uh, भी खुले गए सो दैट्स ऑल्सो रीज़न के रेनेजा नेम से भी जाना जाता है एलिजाबेथन एज को फर्स्ट रेनेजा वो इटली में आई थी और फिर उसके बाद पूरे यूरोप में फैली इंक्लूडिंग इंग्लैंड एलिजाबेथन एज द एलिजाबेथन एरा इज द इोच इन द ट्यूडर पीरियड Of the history of England during the range of Queen Elizabeth I, the era called the Elizabethan England was a time of many changes and development, and was also considered as the golden age in English literature. Uh, in English history, this era was led by Queen Elizabeth I. The sixth एंड लास्ट रूलर ऑफ ट्यूडर इंग्लिश एलिजाबेथ एज के पहले जो एज थी उसे ट्यूडर पीरियर के नाम से जाना जाता था और एलिजाबेथ के बाद में जो एज आई उसे जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है एलिजाबेथ एज को इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे प्रोज पोइट्री ड्रामेटिक्स उन्होंने काफ़ी काफ़ी सारे अपने बेस्ट वर्क दिए उन्होंने दूसरी कंट्रियों से इंस्पायर इंस्पिरेशन लेके इंग्लैंड में काफ़ी बेस्ट वर्क दिए ज़्यादातर इटालियन वर्क से उन्होंने इंस्पिरेशन ली उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में अपने बेस्ट वर्क दिए इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट सोनेट आई वो भी इटालियन लिटरेचर से ही आई थी और पहले व्यक्ति जो थे वो ग्रीक स्टडी कर वो ग्रीक स्टडी से इन्फ्लुएंस होकर इटालियन में कुछ लिखा था नेम इज सर थॉमस मोरे हियर यू कैन सी ओवर योर स्क्रीन हिस्सर पीरियड वाज सेवनटीन टू 1535 थॉमस मोरे इज नॉन फॉर हिज फिफ्टीन सिक्सटीन बुक यूटोपिया इस बुक की वजह से ही वो इतने फेमस हुए थे और जाने जाते थे नाउ हियर ऑन योर स्क्रीन दैर इज द बेस्ट राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज पोए थेमेटिक्स एंड प्रोज फर्स्ट राइटर फिलिप सिडनी क्रिस्टिफर मालो थॉमस चैम्पियन थॉमस Uh, Sackville, Thomas Nasse and Dramatics, William Shakespeare, Ben Jonson, Thomas Mediton, John Webster, John Ford, prose writer, John Lilly, Thomas Lorge, Philip Sidney, and Hooker, and here the University webs writer, Thomas Lilly. जॉर्ज केड थॉमस ल्यार्ज रॉबर्ट ग्रीन क्रिस्ट मालो एंड थॉमस नासे सो यूनिवर्सिटी वाइफ्स उसमें उसमें तो इन राइटर जो राइटर है उनको बाद में शामिल किया गया उससे पहले वो आ, वो हाईली एजुकेटेड राइटर थे और वो अपने अपने वर्क खुद लिखते थे लाइक पोयम प्रोज एक्सेट्रा और इस सभी राइटर ने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया था दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एलिजाबेथन एज में आ, बहुत ही बड़े वर्क लिखे गए जैसे कि एडमन स्पेंसर उन्होंने लिखा था द फेरी द फैरी क्वीन और उनका दूसरा वर्क था सेपर्स कैलेंडर देन सर फिलिप सिडनी की सोनेट विलियम शेक्सपियर के सोनेट विलियम शेक्सपियर के सोनेट ड्रामा इस एज का ज़रूरी हिस्सा माना जाता है और शेक्सपियर बैन जॉनसन एंड क्रिस्टर मालो जिन्होंने फेमस ड्रामा लिखे जॉन लिली वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस किया था फर्स्ट टाइम और शेक्सपियर की जो रोमांटिक कॉमेडी है उसमें आ, हमें जॉन लिली का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जॉन लिली की एक बुक थी उसका नाम था यूथ यूथियस तो, द एनाटमी ऑफ वेट। तो उसमें एक फेमस सेंटेंस है द रूल्स ऑफ फैरी द रूल्स ऑफ फैर प्ले डू नॉट अप्लाई इन लव एंड वॉर इसका मतलब है क्स और जंग में सब कुछ जायज़ है द रूल्स ऑफ फेयर अप्लाई नॉट अप्लाई इन द प्ले नॉट अप्लाई इन लव एंड वॉर पोएट्री में फर्स्ट नाम फर्स्ट नेम है थॉमस वाइट थॉमस वाइट का उन uh, उनको अपनी पोएम में इनोवेशन करना बहुत अच्छा लगता था और uh, उनके इंग्लिश पोए इंग्लिश पोएट्री में नई नई खोजें की उन्होंने शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी उसमें अठारहवीं जो सोनेट थी वो वर्ल्ड फेमस पोइम मानी जाती है शेक्सपियर के प्ले इसलिए फेमस थे इसलिए अट्रैक्टिव थे बिकॉज जो उनके प्ले थे वो उनमें वैरायटी उनमें वैरायटी बहुत सारी थी जैसे कि हिस्ट्री ट्रेजेडी कॉमेडी रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी एक्सेट्रा शेक्सपियर की अर्ली अर्ली लाइफ में उन्होंने फर्स्ट कॉमेडी लिखी थी द कॉमेडी ऑफ एरर उसके बाद शेक्सपियर ने कुछ ग्रेट कॉमेडी लिखी जैसे कि हिस्ट्री प्ले लिखे एंड प्रॉब्लम प्ले लिखे फिर जाके उन्होंने अपने करियर की ग्रेट ट्रेजेडी जैसे कि हेमलेट ऑथेलो मैकबेथ किंग लियर ऐसे लिखी ये जो पीरियड था वो शेक्सपियर का गोल्डन पीरियड माना जाता है और फिर लास्ट टाइम पे उन्होंने रोमांस एंड ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी शेक्सपियर के बाद एलिजाबेथन एज में सबसे बड़ा नाम है क्रिस्टिफर मालो क्रिस्टिफर मालो और शेक्सपियर सेम एज के माने जाते हैं और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि क्रिस्टिफा मालो फिफ्टी नाइन ईयर की एज में उनकी डेथ हुई थी और वो ज़्यादा ईयर ज़िंदा रहते तो वो शेक्सपियर से भी आगे निकल जाते ऐसा माना जाता है एंड एल्जाबेथन uh, एज में ड्रामा लिखे जाते थे वो ब्लैंक वर्ड में लिखे जाते थे uh, ब्लैंक वर्ड का टाइम आ गया आ, उस टाइम पे ब्लैंक वर्ड की खोज हो चुकी थी और जैसे कि वो फेमस राइटर थे जैसे कि विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मालो तो उन्होंने अपने ड्रामा में ब्लैंक वर्ड का यूज़ किया और जो ब्लैंक वर्ड थे वो क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म होते थे और एलिजाबेथ म्यूजिशियन थी डांसर थी सो आ, उन्होंने आ, उस टाइम के लिटरेचर को बहुत सपोर्ट किया और एलिजाबेथन ने कैथोलिक और प्रोटेस्टन के बीच जो झगड़ा था जो अनबनाव जो थे सब कुछ वो सब कुछ उन्होंने शांत कर दिया हाँ राइट वो सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया और इंग्लैंड में शांति स्थापित कर दी और उनकी सपोर्ट की वजह से ही एलिजा जो एलिजाबेथ एज है तो उसमें लिटरेचर को इतनी ग्रोथ मिली और उस टाइम के फाइव बड़े ऑथर थे उस ऑथर की वजह से ही इस एज को गोल्डन एज माना जाता है सो द नेम इज विलियम शेक्सपियर एडमन स्पेंसर सर फिलिप सिडनी क्रिस्टोफर मालो एंड बैन जॉनसर तो ये फाइव बेस्ट राइटर है जिसकी वजह से इस एज को गोल्डन ऐज माना जाता है और आगे जाके बड़े बड़े ऑथर पोइट ड्रामेटिक्स पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा और ट्वेंटी सेंचुरी में सबसे बड़े पोइट टी एस इलियट ने भी इस एज के बारे में बहुत कुछ कहा है और उन्होंने एलिजाबेथन एज से बहुत कुछ सीखा है और उनका मानना ये था कि जो मॉडर्न लिटरेचर है और जो मॉडर्न पोइट है जो राइटर है उनको एलिजाबेथन एज को याद करना चाहिए राइट एलिजाबेथन एज में जो भी बड़े बड़े वर्क हुए जो भी बड़े बड़े काम हुए उनको याद करना चाहिए और उनको सपोर्ट और और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एस आर टी एस एज मानते थे सो हियर द टॉपिक ऑफ़ हैज़ बीन ओवर हियर थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी